हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज बिलावल राजपर एंड यू आर वाचिंग द जनरल इंग्लिश ग्रामर। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस होता क्या है, अब हम पढ़ते हैं। एनी वर्क व्हिच स्टार्टेड इन पास्ट, कोई भी काम स्टार्ट हुआ किस टाइम में, पास्ट में। कंटिन्यू इन पास्ट, कोई भी टाइम कंटिन्यू था पास्ट में। एंड एंडेड इन पास्ट टाइम, एंड वो कंप्लीट हुआ पास्ट टाइम में, इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। कोई भी काम स्टार्ट हुआ पास्ट में, कंटिन्यू था पास्ट में और एंड भी हुआ पास्ट में, उसको कहा जाता है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। जैसे वो कल से रोटी खा रहा था, वो कल शाम से घूम रहा था, वो कल मॉर्निंग से पानी पी रहा था, ये क्या है, ये एक पास्ट टाइम है जो स्टार्ट हुआ पास्ट में और कंप्लीट हुआ भी पास्ट में, उसको कहा जाता है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो है हैड बीन। जो हैड बीन क्या है, यह है एक हेल्पिंग वर्ब, एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन। हैड बीन जो एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ये यूज होता है ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके साथ यूज होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूलर हो, उसके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वो है हैड बीन। इसकी जो फॉर्मेशन बनती है कुछ इस तरह से बनती है, फर्स्ट पे आता है सब्जेक्ट, एस की मीन क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, एच वी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे मेन वर्ब का किसका फॉर्म, कौन सा फॉर्म होगा, फोर्थ फॉर्म होगा, जो इंग फॉर्म होता है उसको कहा जाता है फोर्थ फॉर्म। प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो यूज होता है ऑब्जेक्ट के बाद। प्लस सिंस आर फॉर, सिंस यूज होगा या फॉर यूज होगा। प्लस टाइम, उसके बाद होगा टाइम यूज। ये क्या है, ये एक कंप्लीट फॉर्मेशन है किसकी, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के लिए टेंस की। फर्स्ट पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा है, हैड बीन। हेल्प बीन के बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस आर फॉर प्लस टाइम। ये क्या है, ये एक फॉर्मेशन है। मैं रिपीटली आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, किस डेफिनेशन किस तरह से होती है, कैसे होती है। एनी वर्क व्हिच स्टार्टेड इन पास्ट, कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू इन पास्ट, वो एक कंटिन्यूस था पास्ट में, एंड एंडेड इन पास्ट टाइम, एंड वो कंप्लीट हुआ, वो एंड हुआ इन पास्ट टाइम में, उसको कहा जाता है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, जो सिंस और यू फॉर यूज होते हैं वो किस तरह से यूज होते हैं और किसके टाइम यूज होते हैं। यहाँ पे यूजेज है सिंस एंड फॉर की, एक होता है सिंस दूसरा होता है फॉर। यहाँ पे लिखते हैं सिंस, सिंस क्या है, सिंस मीन्स कोई भी ड्यूरेशन, कोई भी लॉन्ग टाइम हो उसको कहा जाता है सिंस। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऐसा टाइम होता है जो कंप्लीट नहीं होता, कोई जारी होता है, उसको हम काउंट नहीं करते, ऐसा टाइम जो हम उसको काउंट नहीं करें उसको कहा जाता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन यूज होती है सिंस के साथ यूज होते हैं। सिंस यूज होता है नेम्स ऑफ डेज, जो डेज के नेम होते हैं, नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स जो मंथ्स के नेम होते हैं, उसके बाद ईयर्स, ईयर्स जो यूज होते हैं उसके साथ क्या होता है सिंस यूज होता है। उसके बाद हम यूज होता है सिंस यूज होता है सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ, सिंस इवनिंग, इवनिंग के साथ, इवनिंग, इवनिंग के साथ क्या यूज होता है, इवनिंग के साथ भी सिंस यूज होता है, सिंस 2 बजे। और 2 बजे, 2 बजे ऐसा टाइम होता है कि 2 बजे, 4 बजे ये एक टाइम होता है, उसके साथ क्या होता है, उसके साथ भी सिंस होता है, 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये क्या है, ये एक टाइम है, उसके साथ भी एक ही प्रेपोजिशन यूज होती है, वो होती है सिंस। दूसरा हमारा होता है फॉर, फॉर जो यूज होता है वो होती है क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स किसी भी तादाद, क्वांटिटी क्या होता है, कोई भी तादाद हो, कोई भी जो नंबर वो काउंट हो, उस काउंट हो चुका हो उसको कहा जाता है क्वांटिटी। क्वांटिटी जो यूज होती है जैसे कि 5 डेज, 5 डेज से, 5 डेज से, 5 डेज से, ये क्या है, ये एक क्वांटिटी है,
जो हम काम कर रहे हैं वो 5 डेज से करें, 5 डेज से करते हैं कर रहे हैं, ये एक हम टाइम की क्वांटिटी बताते हैं कि इस दिन से हम कर रहे हैं, और 2 मंथ्स 2 महीनों से, 2 मंथ्स 2 महीने से, ये क्या है, ये एक क्वांटिटी है, और 5 ईयर्स 10 ईयर्स 10 सालों से, 10 ईयर्स 10 सालों से, ये क्या है, ये एक क्वांटिटी है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फ्रॉम लॉन्ग टाइम बहुत बड़े टाइम से, फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम बहुत बड़े टाइम से, उसके साथ भी क्या यूज़ होता है, उसके साथ भी हमारा फॉर यूज़ होता है, फॉर वेर लॉन्ग टाइम बड़े टाइम से, और जो हमारा सिंस यूज होता है वो होता है आफ्टरनून, जो हमारा आफ्टरनून है ये भी एक ड्यूरेशन है, आफ्टरनून के साथ भी सिंस यूज होगा, आफ्टरनून इसके साथ भी सिंस यूज होता है, ये यूजेज होता है सिंस की एंड फॉर की, सिंस क्या है, एक ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऐसा टाइम हम जिसको काउंट नहीं करें उसको ड्यूरेशन कहा जाता है, जैसे कि 2002 से हम जो ईयर है उसको काउंट नहीं करते, वो हम कहते हैं 2002 से 1945 से 1964 से, ये क्या कहते हैं, हम ईयर का टाइम बता दें, ये एक ड्यूरेशन बता दें, मगर हम ऐसा कहें 50 साल से, 50 साल से हम क्या करें, एक क्वांटिटी बता दें, एक तादाद बता रहे हैं कि 50 साल से वो जो स्टडी कर रहा है, स्टडी कर रहा है, ये क्वांटिटी होती है, तो जो क्वांटिटी के साथ यूज होता है वो होता है फॉर, और ड्यूरेशन के साथ यूज होता है वो होता है सिंस। मैंने यूजेज बता दी आपको सिंस एंड फॉर की, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इस एग्जांपल को हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, सही है, फॉर्मेशन में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मेशन के हम कन्वर्ट करेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, यू, तुम मीन्स यू, यू के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो हैड बीन, यू हैड बीन, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, फोर्थ फॉर्म, वेट है, तुम उसका मॉर्निंग से वेट कर रहे हो, वेट जो हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स वेटिंग, यू आर वेटिंग फॉर हिम, फॉर हिम, यू आर वेटिंग फॉर हिम, और यहाँ पे क्या होगा, सिंस मॉर्निंग है, मॉर्निंग जो मैंने आपको बता दी, जो मॉर्निंग होती है एक ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन के साथ क्या होता है, सिंस, सिंस मॉर्निंग, यू आर वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, तुम उसका सुबह से मॉर्निंग से वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, और हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस बनता है, इस तरह से बनता है, यू हैड नॉट बीन, यू, इसके हैड एंड बीन के बीच में क्या यूज होता है, नॉट यूज होता है, यू हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम, वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, आप उसका मॉर्निंग से इंतजार नहीं कर रहे हो, सिंस मॉर्निंग, और हमारा फॉर जो थर्ड सेंटेंस बनता है इस तरह बनता है, हैड यू बीन वेटिंग फॉर हिम, क्या तुम इसका मॉर्निंग से वेट कर रहे हो, वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, क्या तुम इसका मॉर्निंग से वेट कर रहे हो, सिंस, सिंस जो मैंने आपको बता दिया एक प्रीपोजिशन होती है उसके साथ मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है, ये के टाइम है मॉर्निंग, और हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस बनता है वो मैं आपको नहीं लिखवाता हूँ, वो आपको मैं ओरली बता देता हूँ, हैड यू नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, क्या आप उसका मॉर्निंग से वेट नहीं कर रहे हो, ये एक होगा इसका एग्जाम्पल जो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। यहाँ पे ये मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।